नमस्कार दर्शक बंधु आमर विशेष उपस्थापना नौबर्ष मोदी सरकार को स्वागत करछु विकास दर्शक बंधु केन्द्र रे मोदी सरकार को पूरी नौ वर्ष यार भितर केते बदली आम भारत वर्ष केन्द्र योजना तथा प्रधानमंत्री दूरदृष्टि संपन्न कार्यक्रम द्वारा देशर विकास आगे सरकार को यह नौ वर्ष कार्यकाल मध्य देशर हित तथा विकास उद्देश्य अनेक बड़ निष्पत्ति नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नौ वर्ष भितर भारत वर्ष पॉलिसी पैरालिसिस रु डिसाइसिव पॉलिसी रो यात्रा करिछि। दर्शक बंधु स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति अवसर में समग्र देश में पालन होउछि अमृत महोत्सव। मोदी सरकार रे भारत खाद्य सामग्री उपरे अन्य देश उपरे आउ निर्भरशील हो रही नाही। ये नुआ भारत जोटि प्रत्येक देशवासी आत्मनिर्भर होबार संकल्प नहीं आगक बढ़ुछन्ते। अर्थव्यवस्था रे अभिवृद्धि कृषि रे कमाल आत्मनिर्भर संकल्प 75 वर्ष रे बदलुछि भारत। स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति अवसर रे समग्र देश रे पालन होउछि अमृत महोत्सव। मोदी सरकार रे भारत खाद्य सामग्री उपरे अन्य देश उपरे आउ निर्भरशील होइ रहि नाही। ये नुआ भारत जोटि प्रत्येक देशवासी आत्मनिर्भर होबार संकल्प नहीं आगक बढ़ुछन्ति। केबे हात पताई नहीं भारत वर्तमान 75 वर्ष पर देश में खाद्य शस्य क्षेत्र में भारत में अनेक परिवर्तन आसी। भारत आज खाद्य उत्पादन करने सहित अन्य देश मानंकु खाद्य जगाउछि। भारत जोगु विश्वर अनेक देश खाद्य संकट रु बंची जाइछन्ति। जिस गरीब को पहले बैंक के दरवाजे से दुत्कार कर भगा दिया जाता था उसके पास आज उसका अपना बैंक अकाउंट है। जिनके जनधन अकाउंट खुल रहे हैं उन्हें रुपए डेबिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। 125 करोड़ लोगों के हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा है। उस गरीब के आत्मविश्वास के बारे में सोचिए जो वो बैंक में जाकर के पैसे जमा कराता है, जो वो रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता है। ये आत्मविश्वास, ये हौसला अब परमानेंट है, उसे कोई बदल नहीं सकता। द्रुत गति रे बढ़ुतिबा अर्थनीति स्वाधीनता परे दीर्घ वर्ष धरी मरुड़ी प्रकोप एवं खाद्य अभाव सम्मुखीन होता भारत वर्तमान विश्वर अन्य देश मानंकु खाद्य शस्य रप्तानी करुछि। वास्तव में गत 75 वर्ष मध्य भारत दुनिया सबुठारु गरीब देशर उठी पृथ्वीर द्रुत अभिवृद्धिशील अर्थनीति रे परिणत होइछि। इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने
अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। वर्तमान आमे विश्वर पांचटी बृहत अर्थनीति रे अंतर्भुक्त एवं आगामी किछि वर्ष मध्यरे देश विश्वर श्रेष्ठ तीन अर्थनीति मध्यरे सामिल हेबाकु द्रुत गतिरे आगोकु बढ़ुछि। एही सफलता सहजरे आसिनाही, मोदी सरकार और भारतीयों कठिन परिश्रम और संघर्ष द्वारा यह संभव होइछि। हमने 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए, आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। 75 वर्ष रे बढ़ी भारतर अर्थव्यवस्था। स्वाधीनतार 75 वर्ष रे भारत प्रत्येक दिगरे अग्रगति करिछि, हेले सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग हेउछि देशर अभिवृद्धि हार, जेउथिरे समस्त प्रकारर सुविधा रोजगार सहित संयुक्त। 1947 मसीहारे स्वाधीनता समय रे भारतर जीडीपी मात्र 2.7 लक्ष कोटी टंका थिला एवं एहा विश्वर जीडीपीर 3% कम थिला। 75 वर्ष में भारतर जीडीपी 55 गुण वृद्धि पाई प्राय 150 लक्ष कोटी में पहुंची एवं 2024 सुधा विश्वर जीडीपी रे एहार अंश 10% रु अधिक हेबो बोली आकलन करा जाय छि। दो हेक्टर से कम भूमि वाले छोटे किसानों को सरकारी लाभ से, सरकारी सुविधा से जोड़ा गया है। बीज से लेकर बाजार तक, खेत से लेकर खलिहान तक उनकी हर तरह से मदद की जा रही है। इन छोटे किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के 1,000,000,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे जा रहे हैं। उनकी आय बढ़ाने के लिए उन्हें खेती से जुड़े अन्य विकल्पों की तरफ भी प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे विकल्प जिसमें बहुत बड़ी जमीन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें इसका मार्ग दिखाया जा रहा है। इसी सोच के साथ पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो या फिर मछली पालन, इनके लिए राष्ट्रीय स्तर नई योजनाएं शुरू की गई है। आज भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में अग्रणी है ही, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, आज हम शहद, हनीम, मधु, आज हम शहद निर्यातक के रूप में भी विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं। गत 9 वर्ष हेउछि भारत वर्ष पाई नवनिर्माण एवं गरीब कल्याणर 9 वर्ष।
एकविंश शताब्दी हेउछि भारत बर्षर बोली आजि समग्र विश्व कहुछि। गत 9 वर्ष भितरे भारत बर्ष पॉलिसी पैरालिसिस रु डिसाइसिव पॉलिसी एवं अर्थनीति रे दुर्बल 5 रु श्रेष्ठ 5 रो यात्रा करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आमर ए विशेष उपस्थापन रे समय एक छोटो विरतिर खूब शीघ्र फेरुछु।